नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर में आज से टीकाकरण अभियान का पूर्व अभ्यास शुरू हो चुका है। ये कार्यक्रम हर राज्य की राजधानी और 3 जिलों में किया जा रहा है। इसको लेकर सभी जिला प्रशासनों को अलर्ट कर दिया गया है। कोविन वेबसाइट पर राज्यों ने टीकाकरण में शामिल लोगों की सूची डाल दी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। अब DGCI इस पर अंतिम फैसला लेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CDSCO की विशेषज्ञ समिति के साथ बैठक में इसको मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले वैक्सीन ज्यादा जोखिम उठाने वाले लोगों को दी जाएगी, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इसके बाद 50 की उम्र से ऊपर के लोगों का नंबर आएगा। पूरी आबादी नहीं, सिर्फ 30 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। ये जानकारी राष्ट्रीय कोविड-19 टास्क फोर्स प्रमुख डॉक्टर विनोद पाल ने एक मीडिया इंटरव्यू में दी है। उन्होंने कहा कि अगले 6 से 8 महीनों में फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर रूप से बीमार लोगों को टीका लगाया जाएगा। ये मोदी ने ओडिशा के IIM संबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को लोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ से पढ़कर निकले युवा टेक्सटाइल और कटक को ग्लोबल पहचान दिलाएंगे। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ ही ओडिशा के विकास को भी नई गति मिलेगी। ये मोदी ने कहा कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस साल भारत ने कोविड संकट के बावजूद पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्न दिए हैं। आज के स्टार्टअप कल मल्टीनेशनल बन सकते हैं। IIM कार्यक्रम को ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल और CM नवीन पटनायक ने संबोधित किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र सारंगी कार्यक्रम में मौजूद रहे। CM नवीन पटनायक ने कहा कि इस संस्थान के खुलने से ओडिशा के युवा होनार बनेंगे। मैनेजमेंट जगत में प्रदेश को नई पहचान मिलेगी। ग्राहक LPG सिलेंडर की बुकिंग अब केवल एक मिस्ड कॉल देकर करा सकेंगे। इंडियन ऑयल के अधिकारी ने बताया कि सिलेंडर भराने को लेकर देश में कहीं से भी मिस्ड कॉल की जा सकेगी। ग्राहक 8454955555 नंबर का उपयोग कर सकते हैं। मकर संक्रांति को राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने यह घोषणा की है। दिसंबर 2023 तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। वाराणसी के इंग्लिसिया लाइन स्थित VIP कार्यकर्ताओं में प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने ये बातें कही। मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान चलाया जाएगा। मकर संक्रांति से माघी पूर्णिमा तक चलने वाला धन संग्रह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभियान होगा। अभियान के तहत 11 करोड़ घरों से संपर्क करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्से में शीतलहर अपने चरम पर पहुंच गई है। कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। 4 से 6 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। इस अवधि में हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ जगहों पर ओले पड़ने की भी आशंका है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटे के दौरान यही स्थिति रहेगी। बेहद घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य हो गई है। हिसार में न्यूनतम तापमान 0 से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। लखनऊ हवाई अड्डे पर 0.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज सुबह हल्की बारिश हुई है, जिससे मौसम और ठंडा हो गया है। शीतलहर और कोहरे से परेशान लोगों के लिए बारिश ने एक और मुसीबत बढ़ा दी है। रविवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सार्वजनिक कंपनी GRSE ने नौसेना को 8वां विमान वाहक पोत सौंप दिया है। इससे देश की सेना को बल मिलेगा। एडमिरल BK सक्सेना ने कहा है कि इस पोत को अंडमान निकोबार के द्वीप के रणनीतिक ठिकानों पर तैनात किया जाएगा। ED ने PMC बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज बड़ी कार्रवाई की है। शिवसेना नेता संजय राउत के करीबी कहे जाने वाले प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं एजेंसी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा और प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी के बारे में बड़ा खुलासा किया है। ED ने बताया कि वर्षा और माधुरी अबनी कंस्ट्रक्शन में भागीदार हैं। पूर्व में इस इकाई से 5,625 रुपए के योगदान पर 12 लाख रुपए के लोन लिए गए, जो अभी तक भी बकाया है। 2014-15 में वर्षा राउत की आय 13,15,254 रुपए थी। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील समेत बड़े जलाशयों में अपनी निगरानी बढ़ाएगी। इसके लिए 12 अत्याधुनिक गश्ती नौकाओं की खरीद को मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए सरकारी उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर दस्तखत हुए हैं। आपूर्ति मई 2021 से शुरू हो जाएगी। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा कि अगर 4 जनवरी को बैठक में उनके हक में फैसला नहीं हुआ तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। कानूनों की वापसी और MSP पर कानूनी गारंटी से कम कुछ मंजूर नहीं है।
किसानों ने कहा कि 4 जनवरी के बाद हरियाणा के मॉल और पेट्रोल पंप बंद कराए जाएंगे। समाधान नहीं निकला तो 6 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। पिछली बैठक में सिर्फ 4% मामले हल हुए हैं। 7वें दौर की बैठक में सरकार से काफी उम्मीदें हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ सकारात्मक बातचीत की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि वो ज्योतिषी नहीं जो अभी ये बता दें कि बैठक में क्या होगा। तोमर ने कहा है कि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कृषि कानून किसानों के हित में है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। देश के 886 शिक्षाविदों ने कृषि कानूनों के समर्थन में खुला पत्र लिखा है। इनमें DU, BHU और JNU के प्रोफेसर शामिल हैं। पत्र में कहा गया है कि तीनों कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने वाले हैं। इनसे किसानों का हित होगा, उपज सुरक्षित रहेगी, किसानों का हक कोई छीन नहीं सकेगा। पंचायत चुनाव के बाद यूपी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। 14 जनवरी को होने वाली बैठक में इस पर फैसला होगा। डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालय परीक्षा केंद्र होंगे, साथ ही स्कूलों को पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाया जाएगा। यूपी में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव इस बार एक साथ होंगे। अभी तक की तैयारियां मार्च 2021 में चुनाव कराने की हैं। आरक्षण का फार्मूला जल्द तय हो जाएगा। आरक्षण की प्रक्रिया फरवरी तक पूर्ण कर ली जाएगी। नैफेड जम्मू कश्मीर में बागवानी के क्षेत्र में 1700 करोड़ का निवेश करेगा। कठुआ समेत प्रदेश के 3 कोल्ड स्टोरेज क्लस्टर बनाए जाएंगे। LG मनोज सिन्हा की मौजूदगी में MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। 5500 हेक्टेयर भूमि पर उच्च घनत्व पौधारोपण किया जाएगा। ब्रिटेन हाईकोर्ट ने लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के खातों से 450 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल करने का आदेश दिया है। ये जुर्माना NAB ने विदेशी संपत्ति वसूली कंपनी ब्राड सीट LLC को भुगतान न किए जाने के एवज में लगाया था। ऑस्ट्रेलिया चीन विवाद के चलते चीनी बंदरगाहों पर फंसे 39 भारतीय नागरिकों को छुड़ाने की कवायद तेज हो गई है। भारत ने चीन से कूटनीतिक बातचीत शुरू कर दी है। अनुमान जताया जा रहा है कि सभी नागरिकों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था में सुधार की तेज गति दिखने लगी है। दिसंबर 2020 में 1.15 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड GST संग्रह हुआ है। ये नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद सर्वाधिक है। ये दिसंबर 2019 के मुकाबले 12% ज्यादा है। टीकाकरण को लेकर अफवाहों से बचने के लिए सरकार ने व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचने की योजना बनाई है। ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अलग अलग माध्यम अपनाए जाएंगे। सरकार ने टीकाकरण अभियान में सभी धर्मगुरुओं को भी साथ लाने का फैसला भी किया है। कोविशील्ड को अनुमति मिलने के बाद वैज्ञानिक और डॉक्टर खुशी जता रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि टीका आने के बाद भी लोगों को अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करना चाहिए। इसके परिणाम क्या होंगे यह अब तक हमें नहीं पता है, ऐसे में बचाव जरूरी है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 19,078 नए मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमण के कुल मामले 1,03,05,788 हो गए हैं। 24 घंटों में 224 मरीजों की जान गई है। आज DDA की आवासीय योजना लॉन्च होगी। ये प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इस योजना में 1350 फ्लैट के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। 16 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। जांच आदि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवासीय योजना की लॉटरी खुलेगी। इसके बाद फ्लैट आवंटित होंगे। ओडिशा CM नवीन पटनायक ने PM मोदी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने केंद्र से मांग की है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी में एयरपोर्ट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन की पहचान कर ली है। महाराष्ट्र में फिर औरंगाबाद का नाम बदलने की राजनीति शुरू हो गई है। नामकरण को लेकर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने फैसले पर विरोध जताया है। बता दें कि उद्धव सरकार औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करना चाहती है। देश की सेवा के दौरान दिव्यांग होने पर केंद्रीय कर्मियों को केंद्र सरकार मुआवजा देगी। साथ ही कर्मियों की नौकरी भी बरकरार रखेगी। इसमें CRPF, BSF और CISF के कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। CBI ने 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन के बावजूद 800 मामलों का निपटारा किया। फरवरी में सेवानिवृत्त होने वाले CBI के निदेशक RK शुक्ला ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि CBI ने विजय माल्या मामले में कानूनी लड़ाई जीतने जैसे कई मामले पूरे किए। कृषि अनुसंधान संस्थान नए साल में अनाज की 8 किस्में विकसित करके देश को सौंपेगा। ये किस्में 8 टन प्रति हेक्टेयर उपज देंगी। अभी देश में 1 हेक्टेयर में अधिकतम 4.5 टन अनाज की पैदावार होती है। उच्च प्रोटीन देने वाली गेहूं की किस्म इसमें प्रमुख है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देशभक्ति को हिंदुओं का बुनियादी चरित्र बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी भारत विरोधी नहीं हो सकता। भागवत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि बापू ने खुद माना है कि उनमें देशभक्ति की भावना धर्म से ही जागी थी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पुणे के कोरेगांव भीमा युद्ध की 203वीं बरसी पर विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकों में कोरेगांव भीमा युद्ध का इतिहास शामिल किया जाना चाहिए। दलित और सवर्ण का विवाद खत्म होना चाहिए।
भारतीय सेना ने मानवाधिकार के मामले में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया है। मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में नई विंग का गठन किया गया। मेजर जनरल गौतम चौहान ने सेना मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला। भारत सरकार ने विलुप्त हो चुके दुर्लभ प्राणी पेंगोलिन के संरक्षण का बीड़ा उठाया है। इससे इस प्राणी को शिकारियों से सुरक्षा मिल सकेगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने इस संबंध में एक अध्ययन समिति का गठन किया है। ये पेंगोलिन के संवर्धन का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी। भारत ने पाकिस्तान में हिंदू मंदिर की तोड़फोड़ की घटना पर राजनीति के माध्यम से औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को 100 लोगों से अधिक की भीड़ ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ कर उसे नष्ट कर दिया था, जिसके बाद इलाके में तनाव है। कोरोना काल में कई कंपनियों ने भ्रामक विज्ञापन दिखाए हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। कंपनियों को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। 8 जनवरी से भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ानें फिर से शुरू होंगी। नागरिक उड़ान मंत्री ने जानकारी दी है। बता दें कि कोरोना का नया रूप सामने आने के बाद भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 23 से 31 दिसंबर तक रोक लगा दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है। आज दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। बूटा सिंह सिख समुदाय के बड़े नेता थे, वे बिहार के राज्यपाल भी थे। पीएम मोदी और सोनिया राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। कांग्रेस ने असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी घोषणा की है। पार्टी ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद किसानों का कर्ज और महिलाओं द्वारा माइक्रो फाइनेंस संगठनों द्वारा लिया ऋण माफ किया जाएगा, साथ ही न्यूनतम आय गारंटी योजना न्याय लागू की जाएगी। असम कांग्रेस अध्यक्ष प्रमुख रिपुन बोरा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सत्ता में आने के बाद गरीब और मध्यम परिवारों को 120 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जाएगी, साथ ही परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। टीएमसी को 23वें स्थापना दिवस पर बड़ा झटका लगा है। कोंटाई नगर निकाय में टीएमसी के 15 पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है। सभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब यहां भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष होगा। पार्टी छोड़ने वालों में शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार 3 जनवरी को होगा। इसमें केवल 2 ही मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने की संभावना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एमएसपी पर धान की खरीद में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब तक 92,121 करोड़ रुपए की धान खरीद हुई है। 31 दिसंबर तक 488 लाख टन धान की खरीद हुई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह खरीद 390 लाख टन थी। सीएम योगी ने राजगिरी कैलेंडर 2021 का विमोचन किया। ये राज्य के महान कलाकारों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विलक्षण प्रतिभा की धरती है। भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने में यूपी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्कृति में संगीत भी समाहित है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।